जी लैम चॉप है एक्स्ट्रा क्लोथ देखो बहुत ही खूबसूरत लग रही है अभी कुछ आगे इतना ही है इतने केस मैंने कभी किसी शॉप में आज तक नहीं देखे। वेलकम टू बानिशा व्लॉग्स, आपको नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आया लंदन खाना ट्राई करने के लिए। इल्फर्ड में हमने एक जगह ढूंढी है, क्या नाम है जगह का? नाम है महक। नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा नाम है इसका। यहाँ पे हमने खाना ट्राई करना है और देखते हैं कि नया खाना कैसा होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेन्यू हमारे सामने मौजूद है, इन्होंने हमें दो मेन्यू दिए हैं और समझ नहीं आ रही कि ऑर्डर क्या करना है। यकीन मानो कोई समझ नहीं आ रही। दो मेन्यू और दो के दो मुख्तलिफ मेन्यू हैं। खाने में हमने ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी। ऑर्डर हमने क्या किया है, एक ग्रिल की है, मिक्स ग्रिल की, और साथ में हमने तीन चार नान कर दिए। अगर पसंद को चीज़ आई तो दस पंद्रह मिनट बाकी हैं। थोड़ी बहुत मैंने आपको शॉप को भी टूर करवाया है। उम्मीद है कि आपको इनके जो टेक अवे है, इनके जो रेस्टोरेंट का पसंद आया होगा। रेस्टोरेंट की वाइब्स तो काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी क्लीन है। एक इशू है, बाहर पार्किंग नहीं है। अगर आप जब भी यहाँ आएँ तो आपको एक टेस्को मिलेगी, थोड़ा सा आगे दो तीन मिनट की वॉक है, वहाँ कार पार्क करके तो यहाँ पर खाना खा सकते हैं। इनकी केटरिंग अच्छी है। ये इनकी जी चिली सॉस है, इन इसको मुँह भी लगा सकते हैं। और ये इनकी मिर्च सॉस है, इसको पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है। जिस तरह आपने कोई ड्रिंक पकड़ी हुई है, वैसे तो आजकल जो ड्रिंक्स है वो बॉटल में नहीं आती, यानी कि गिलास बॉटल में नहीं आती, वो आती हैं प्लास्टिक की बॉटल में, उन्हें मज़ा नहीं आता पकड़ने। इनकी जो ये चम्मच है या जो कांटे हैं, ये भी इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से रखे हुए। एक का तो मैंने पर्दा उतार दिया है, चमचों का तो मुझे टिश्यू चाहिए था। ये सैलड मिली है हमें, खीरे तो हमने खा ली हैं, खीरे तो हमने छोड़े नहीं हैं, टमाटर भी खा लिए इसमें से। अब अगर चाहिए होगी तो दोबारा ऑर्डर कर देंगे। ये इनकी जी प्लेटें हैं, प्लेटें भी इनकी काफ़ी अच्छी है, फैंसी प्लेटें हैं, देख के मज़ा आ रहा है। उम्मीद है खाना जब डालेंगे तो इतना ही मज़ा आएगा। अब यहाँ जी वेट कर रहे हैं खाने का। बाहर हो रही है शदीद बारिश और बाहर आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता बाहर का क्या सीन है, लेकिन अंदर के सीन अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अब दुआ करें खाना भी इतना अच्छा हो। अगर खाना अच्छा ना हुआ तो ये सारा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर तक, बहुत शुक्रिया। और भी कुछ आइए, इतना ही है, इतना ही है जी खाना, इतना ही है हमारे पास आज। लो जी खाना आ चुके हैं हमारे पास। खाने में नान है, नान इनके थोड़े बहुत इन्होंने बटर लगाए हुए हैं, जिसकी लुक अच्छी आ रही है, स्मेल भी अच्छी आ रही है। ये इनका जी मिक्स ग्रिल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कबाब नज़र आ रहे हैं मुझे, चिकन के इनके पास, इनकी लैम चॉप जो देख सकते हैं अच्छी लग रही है। इसके अलावा इनके पास ये वाले भी कबाब हैं, ये वाले भी। अब जितने लोग आए हुए खाने का वेट नहीं कर पा रहे, खाना शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। खाना खा के आप बताएँ खाने में कैसा था। कोई मतलब कर सबसे पहले प्लेट में डालते हैं, अल्लाह भला करे आपका, इनकी जंबो थोड़े ना दी मिर्च सॉस पहने यार। ये वैसे इन्ना बड़ा मज़ा आ रहा है, इन्ना अपना मज़ा, इन्ना अपना मज़ा। नॉर्मली जेडे है ना दूए रेस्टोरेंट्स, वो देते ने डबिया, वो तो बिल्कुल मैं मज़ा नहीं आता, इतना बड़ा मज़ा आया। सब तो पहले तू इन्हें कबाब मशहूर सी, कबाब चेक कर दे कैसा। कबाब बेहतरीन है। चिकन ट्राई करते हैं सर, हूँ ना इन्हें चिकन ट्राई करते हैं, वो भी बोनलेस आ रही थी, खुशबू अच्छी आ रही है। चिकन भी ठीक है, जानी चटनी भी बेहतरीन है, खा के मज़ा आया।
लो जी चिप्स भी आ गए ने, जितना मज़ा थोड़े मेन्यू चिप्स का आता है ना, इतना किसी होर चीज़ा नहीं आता। चिप चीज़ ही ऐसी है, चिप्स हो गई और कोल्ड ड्रिंक, इधर मज़ा आता है ना। और नाल से मंगा लिया थोड़ा ठंडा मंगा लिया, चिप्स ने गर्म तो नाल इंशाल्लाह करेंगे ठंडा, चंगे ठंडे ड्रिंक पी लेंगे नाल, फिर चोपड़ा खाना पा लेना बचा के ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि अदील भाई सामने बैठे ने और अदील भाई का कोई पता नहीं ऐसी लैम चौप है, ऐसा क्लोथ देखो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, ये तो खा के चक नहीं पेगी कैसी। बिस्मिल्लाह क्या बात है यार, बहुत ही अच्छी बनी है, मज़ा आ गया। देखो अदील भाई सारा साफ कर रहे हैं, मैं कोशिश करनी है कि ये साफ अदील भाई ने कर सकें, ये चैलेंज मैं जितना इंशाल्लाह खाने का। चलो खाना शुरू करते हैं, तुम्हें तो फिर असं खाने तो बाद रिव्यू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के चक्कर अदील ने सारा खाना खा लेना, ये फिर मैं मज़ा नहीं आएगा। इस तरह चिकन विंग्स ट्राई करने की बारी आ गई है, मुझे किसी ने बताया था कि चिकन विंग्स को कुछ खाने का तरीका है, कुछ ऐसे ऐसे करते हैं और साथ में ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करने में मेरा टाइम ज़ाया होता है, उससे बेहतर है कि आप इसको तोड़ ताड़ के जितना भी टूट जाए यार, अच्छा नहीं टूटता कोई गल नहीं, ऐसे खा लो। मकसद खाना है चिकन विंग्स हो, जिस तरीके से मजे खाने कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लोग पता क्यों टेंशन लेते हैं, मैं नहीं लेता, जो चीज़ आए खाओ मुको जान छो। यार ये कबाब इन्होंने तीन चार लगता है एक्स्ट्रा डाले हैं, इसका बड़ा मसाला है, जो मसाला है ना उसके ऊपर सबसे मेन वो चीज़ है, जिस तरह समझ लेकर पहले पहले मसाला होता है चाट मसाला टाइप वो डाला हुआ है, पर अगर आप जो चटनी है उनके साथ लगाए तो क्या बात है। जेड़ा मज़ा ग्रिल के अंदरों खाण का आता है ना, वो प्लेट मैनू नहीं आता, प्लेट में पाया लेकिन मज़ा नहीं आया। ग्रिल देखो तुम नाल टमाटर प्याज जो भी है ये तुम ला के तो फिर अपनी प्लेट ही ला के खा सकते हो। और चीज़ तुम दिखानी है जिहड़ा ग्रिल च ऑयल होता है ना, जिहड़ा भी मीट होता है ये ऑयल उदों होता है, मैनू इतना मज़ा आता है खास तौर ए इलाका इधर अपनी मजे, ये यकीन मानो तुम बगैर मीट तो भी खा सकते हो एला जो ए ना एला ऐ चेक करो। थोड़ा जहा तुम चस्किया से अगर दो चिप्स ला लो नाल समान लो, थोड़ी जी चटनी भी ला लो, क्या बात है। क्या बात है सर, ये नेक्स्ट लेवल गेम है, याद रखना तुम भी ट्राई करना, तो कमेंट लाजम दसना कि तुम्हें कि चीज़ का मज़ा आता है, ग्रिल खाने का मज़ा आता है प्लेट आता है। मैंने तो ग्रिल चाहिए, ग्रिल मैंने पूरी की पूरी अकेले मिल जाए ना, मैं आराम नाल खावा अदील नाल ना हो। पार्टिसिपेंट सारे हार मान गए ने, आखिर ग्रिल मेरे हिस्से च आ गई है, मैं इंशाल्लाह ग्रिल नूं साफ करना है। लो जी जॉब डन वेल डन, खाना मुक गया सरकार, हूँ असं दुआ कर रहे हैं कि तुम्हें कोई चीज़ मिल जाए मिठे खाने, ये नहीं पता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन असं रिक्वेस्ट पा देनी है कि कुछ चीज़ है बस सुनी, आप मीठे में कुछ चीज़ देती है कम्प्लीमेंट्री।
कॉम्प्लीमेंट्री खीर आ चुकी है जी, ये ज़बरदस्त है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। वैसे ये देते नहीं, मेरा नहीं ख्याल देते होंगे, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की थी वो खीर आ गई है। खीर इनकी बेहतरीन लग रही है, ठंडी खीर है। इसका आप टेक्सचर वगैरह चेक करें, सीन ही कुछ और है। अब ट्राई करते हैं और देखते हैं कितनी खीर अच्छी है इनकी। वाह, इनकी खीर बहुत ही लाजवाब है, मज़ा आ गया खाने। आप जब भी यहाँ पे आए कुछ और खाने का खीर ला सकते हैं, इनकी बहुत अच्छी। बिल वैसा ना है तो बेहतर है। कितना बिल बना जी हमारा? हमारा बिल बना जी 2850। मुनासिब बिल बना है, खाने का मज़ा आया। खाना था मेरी तरफ से जी आधे पैसे, बल्कि आप देखिए मैं 97% मैं दे रहा हूँ, 25 पाउंड, 3 पाउंड अदील भाई से मांगे हैं, जहाँ बिल पैसे अदील ने मुझे कहा मैं अदील मुझे दे देगा। पैसे बारी आ गई जी बिल देने की, बिल अदा करते हैं और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपका खाना बड़ा अच्छा लगा हमें, स्पेशली जो खीर थी बड़े मज़ेदार थी। मैंने एयरपोर्ट में इतनी अच्छी खीर अब तक देखा है जितनी खीर आप खा के बताए। सारा खाना अच्छा बना था, दिल अच्छी बनी हुई थी। हाँ सर बड़ा मज़ा आया। हम यहाँ से वैसे खाना खाते नहीं हैं, हम जाते हैं एयरपोर्ट ले, हम आते हैं हेमल एमसर से। आज हमने जाना था किसी को मिलने के लिए इधर अगली गली में, गाड़ी मैंने यहाँ पार की तो आपको पास से वो अच्छा लगा था। हाँ नसीब। हाँ आपकी रेस्टोरेंट की ना बारिश बहुत बैठे लेकिन ये तो खा के मज़ा आया माशाल्लाह। इंशाल्लाह आप रिकमेंड भी करेंगे अपने दोस्तों को, आपकी तरफ आए वीडियो में भी सारे जो लोग हैं देखने वो भी आएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत तो जी ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब लाजम करें। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। खाना खा के जी बाहर आ चुके हैं और बाहर बेइंतहा सर्दी है, बाहर के सीन जो है आप देख सकते हैं, इर्द गिर्द का माहौल काफ़ी मौसम। अभी हम आ चुके हैं निराला, हमारे पास थोड़े से पैसे बच गए थे, हमने कहा कि यहाँ से कुछ चीज़ ट्राई करते हैं। उसकी रीज़न है कि इनकी जो शॉप है वो जब मैं यहाँ से गुजर के जा रहा था तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा लाजम आएंगे और कुछ चीज़ ट्राई करेंगे, थोड़े बहुत पैसे बचे हैं आए ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या मिलेगा इन चीज़ इतने पैसे में क्या मिलेगा। कि कितने हैं जी? 10, 20, 30, 2 पाउंड 81 रुपये हैं। देखते हैं कि हमें हमारी किस्मत में क्या आज मिला से खाने के लिए, आए चलते हैं। इनकी जो शॉप है ना वो यार बहुत ही खूबसूरत शॉप है, मैंने यूके में तो इतनी खूबसूरत निराला की कोई शॉप नहीं देखी। आए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हमें मिलती है या नहीं मिलती। आपका शौक दिखा देते हैं आपको, टी भी लगा क्या बात है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 2 पाउंड 81 रुपये। एक्चुअली हमने किसी जगह पे खाना खाया है तो वहाँ से पैसे बच गए थे। मैं यहाँ से जहाँ तक गुजर के मैं हेमल से आया हूँ तो शॉप देखी तो मुझे बड़ा अच्छी लगी शॉप, आप मैं कह डेफिनेटली चक्कर लगाएंगे। ये ले सर, सर मैं ज़रा देख लूँ एक दफ़ा, मैं देख लेता हूँ। ये जी आपको दिखाते हैं शॉप, आप भी कभी आएँ एयरपोर्ट में निराला आएँ, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, बहुत ही वाफर मकदार में वैरायटी इनके पास मौजूद है और इनकी शॉप बहुत खूबसूरत है। इसकी जो लाइटिंग है वो बड़ी अच्छी तरीके से की गई है। नॉर्मली अगर आप जाते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ शॉप बहुत कम मिलती है यूके में, इतनी बड़ी खाली टीवी स्क्रीन लगी यहाँ पे, सिनेमा स्क्रीन लगी हुई है, मतलब वो एंजॉय अगर आपको कोई चीज़ खानी नहीं है तो। यार इनके पास केक बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, इतने केक्स मैंने कभी किसी शॉप में आज तक नहीं देखी। केक बॉक्स में गया हूँ वहाँ भी इतने केक्स नहीं होते अवेलेबल, आप खाली देखते जाएँ और गिनते जाएँ कि इनके पास केक कितने हैं। भाई जान गुलाब जामुन दे दें। हाँ जी कौन से वाले होते हैं वैसे? ये वाले होते हैं गुलाब जामुन, 3-4 किस्म गुलाब जामुन है। भाई ये वाले गुलाब जामुन दे दें आप।
सारे पैसे मैं कहता हूँ कि जो जो उनमें से बचती हैं उनकी भी लगा दें। मैंने अपनी तमाम जो है वो दौलत आज भाई को दे दी है। मैंने कहा कि जितने गुलाब जामुन आते हैं मुझे दे दें। यारों पसंद में ड्रामा लगता था वो बच्चा पत्नी 3-4 हज़ार रुपये के लिए आता टाफियाँ पूरा ट्रक आता है। उस दौर की बात कर रहा हूँ तब कभी हम जवान थे यानी कि छोटे थे। ये भाई अपने हाथों से डाल के दे रहे हैं जी मिठाई। ये मैं गाड़ी में खा लेनी है। अब हम ये फ्री का ट्राई कर रहे हैं ये वाला। ये अच्छी बात है जब भी इस शॉप पे आए वैसे ट्राई करते रहे 3-4 चीज़ें ट्राई कर लें। आपको जो मीठी की है वो जो तलब है वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है वजन बकाया नहीं चाहिए। ठीक है यार बहुत शुक्रिया। ओके जी अल्लाह हाफिज़ बड़ी मेहरबानी अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है हमारे चैनल को आप लाइक करें सब्सक्राइब लाजम करें और मेक श्योर करें कि बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आपसे चाहते हैं इजाज़त आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।